फर्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे जी, ये काफ़ी डिटेल्स है, ओवरऑल व्यू होगा स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का, और मोस्टली थ्योरीज में है। इसके बाद वन बाय वन हम जब एक एक टॉपिक के ऊपर आएंगे, जिस तरह डिज़ाइन ऑफ वॉल्स आ गए या डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स आ गए, तो उससे पहले एक थोड़ी सी थ्योरी कवर होगी और साथ ही वो थ्योरी उस टॉपिक से रिलेवेंट होगी, और फिर हम उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर या एक्सेल के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। मगर ये बिल्कुल जनरलाइज है ओवरऑल, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर Starting with the quote. Starting with the quote of Albert Einstein, scientists investigate which already exists, engineers create that which has never been there. ये अल्लाह की तरफ से आप में एक यानी तख्लीकी जो है वो ability है, आगे भी है कि आप चीज़ों को create करेंगे जो पहले exist नहीं करती। Scientists लोगों चीज़ों को discover करते हैं जो कि universe के अंदर पहले हैं, ठीक है। तो being good civil engineer या structural engineer, आपके अंदर creativity होनी चाहिए, इसको develop करें, चीज़ों से इंस्पायर हों, नेचुरल चीज़ों के साथ, यानी नेचर के अंदर चीज़ों को देखें और इनसे इंस्पायरेशन लें, जिस तरह आर्किटेक्ट्स लेते हैं, ठीक है। ये उनकी बड़ी अच्छी एक स्किल है कि नेचर से वो इंस्पायर होते हैं और उनको इंप्लीमेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम्स बेसिकली साइंस एंड आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग विद इकोनॉमी एंड एलिगेंस, बिल्डिंग ब्रिजेस, फ्रेमवर्क्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स सो दैट दे कैन सेफली रिजिस्ट द फोर्सेज टू विच दे मे बी सब्जेक्टेड। इस सेंटेंस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया गया, एक डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन विद इकोनॉमी एंड एलिगेंस, यानी आप जब भी कोई फैसिलिटी डिज़ाइन करें, आइदर इट इज़ अ ब्रिज, बिल्डिंग और एनी अदर स्ट्रक्चर, तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि इट शुड बी फिजिबल और वो कंस्ट्रक्टेबल हो, यानी वो बन सके। ऐसा ना हो कि आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं मगर वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। सेकेंडली, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि यू शुड मेंटेन सम इकोनॉमी एंड एलिगेंस, उसमें खूबसूरती और एस्थेटिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कवर हो साथ। अ सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर इज एन असेंबलेज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, द बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज टू सपोर्ट लोड्स, प्रोवाइडिंग देम अ सेफ पाथ, दिस कैन बी डन इन अ वैरायटी ऑफ वे डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस व्हिच द स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट। हर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग है, ब्रिज है, इसके अंदर आपने एक सेफ पाथ प्रोवाइड करना है, यानी उसके ऊपर उसकी इंटायर लाइफ के अंदर, सर्विस लाइफ के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे। आपने उन लोड्स को रिसीव करने के बाद ग्राउंड करना है, जिस हम कहते हैं ना कि बिजली को ग्राउंड करना है, तो आपने उन लोड्स को ट्रांसफ़र करना है टू ग्राउंड या फाउंडेशन थ्रू अ सेफ पाथ। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग देम अ सेफ पाथ। ये सेफ पाथ क्या है? दिस सेफ पाथ इज कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स लाइक बीम्स, कॉलम्स, ड्रॉप पैनल्स, वेफल स्लैब्स, ग्रेविटी लोड सिस्टम, और आपका जो ग्रेविटी के साथ लेटरल लोड सिस्टम है, ये सारा इसके ऊपर कंसिस्ट करता है। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं एक सेफ पाथ से मुराद ये है कि इस पाथ के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर से लोड ट्रांसमिट करेगा सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वाइल द लोड इज बींग ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर, वी नीड टू इंश्योर कि ये पाथ सेफ हो, कोई इंडिविजुअल एलिमेंट फेल ना हो। यानी अगर आपका लोड स्लैब से बीम की तरफ आया, बीम से कॉलम की तरफ गया, कॉलम से फुटिंग की तरफ आया, फुटिंग से नीचे पाइल्स में गया, ठीक है, एंड ट्रांसफ़र हो रहा है वो, तो ये जितने एलिमेंट्स के अंदर से ट्रांसफ़र हो रही है तो वो किसी एलिमेंट को फेल ना करें और हर एलिमेंट कैपेबल हो के वो लोड रिसीव करे और इसको आगे ट्रांसमिट करे सेफली, ठीक है जी। दिस कैन बी डन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, डिफरेंट, जब आपके पास पाथ डिफरेंट है, इसका मतलब आप डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट लेटरल लोड सिस्टम देख सकते हैं, जो कि आगे हम आगे जाके स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। इसलिए मैं कह रहा था कि आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके पास अगर कोई प्लान आ गया या कुछ आ गया तो आप सोचें कि मैं इसमें क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि लोड को ट्रांसफ़र करना है सेफ पाथ के थ्रू। पाथ कौन सा चूज़ करना है, उसको चूज़ करते हुए आपने देखना है कि इट शुड बी कंस्ट्रक्टेबल, इट शुड हैव सम इकोनॉमी, इट शुड लुक बेटर, खूबसूरत लगे। ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जी जिसके अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे होते हैं। आपके पास बिल्डिंग करते हैं, रेजिडेंस एंड ऑफिसेज, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें डैम्स, रोडवेज, वेयर्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टिंग और डिज़ाइनिंग ब्रिजेज, रेलवे, एयरपोर्ट्स, शिप्स वगैरह। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी सर्व कर रहे होते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स वगैरह, उनकी फाउंडेशन वगैरह डिज़ाइन करते हैं। स्पेस उसकी जो शटल्स हैं उनके लिए डिज़ाइनिंग के अंदर इनकी सर्विसेज होती हैं। मेजर जो आपके पास हैं वो रेजिडेंस एंड ऑफिसेज वगैरह, हाउसेज और ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह।
The primary function of building structure is to support and transmit the building loads and forces to the ground. ये हमने पहले डिस्कस किया कि हम एक सेफ लोड पाथ इंश्योर करेंगे और हर बिल्डिंग स्ट्रक्चर का यही फंक्शन है कि वो सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर तक लोड को ट्रांसमिट करे. व्हाट इज अ लोड पाथ इन स्ट्रक्चर? Load path in terms used to describe the path by which loads are transmitted to the foundation. Different structures have different load paths. Some structures have only one path, some have several. Redundancy is good. Redundancy से मुराद क्या है? आपने structure के अंदर determinate और indeterminate का concept पढ़ा होगा अपने अपने engineering के दौरान. जितना structure indeterminate होता जाता है उसकी manual calculation उतनी ही difficult होती जाती है. ऐसा ही है, जितनी उसकी indeterminacy बढ़ती जाती है आप उसको manually calculate करने के लिए different techniques या डिफरेंट अजम्पशंस यूज करते हैं ताकि उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, वरना अगर अजम्पशन यूज ना करें तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम. मगर जितनी रिडंडेंसी बढ़ रही है या इंडिटर्मिनेसी बढ़ रही है उतने ही उसमें फोर्सेस अच्छी तरह ट्रांसमिट होंगी. यानी आप आइडियलाइजेशन कम करेंगे और स्ट्रक्चर अपनी असल में फोर्सेज वहाँ ट्रांसमिट करेगा. तो एक जब स्ट्रक्चरल सिस्टम आप चूज कर रहे हों तो आप सरफेस यूज करेंगे यहाँ पर तो उसके अंदर जो इंडिटर्मिनेसी है उसमें आपने उसको इश्यू नहीं है क्योंकि अब आपका सॉल्वर जो है आप खुद मैन्युअली सॉल्व नहीं कर रहे यहाँ पर, तो इनडिटर्मिनेसी उसके अंदर टेक केयर होगी सारे के सारे. तो जितनी ज्यादा इनडिटर्मिनेसी है उतना ही बेहतर है आपके लिए. ये एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाया जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. जब मैंने आपको जिक्र किया था कि एक स्ट्रक्चरल पाथ होना चाहिए और उस स्ट्रक्चरल पाथ के अंदर डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पोनेंट्स हैं, तो ये वो कॉम्पोनेंट्स हैं जिस तरह की आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं, वॉल फुटिंग्स हैं, आपके पास बीम्स हैं, स्लैब्स, कॉलम्स, स्टेयर केसेस, उनकी लैंडिंग, ये डिफरेंट एलिमेंट्स दिखाए हैं आपके पास. ये एक और पिक्चर है जी जिसमें आपके पास कॉलम है, पेडिस्टल्स दिखा रहे हैं उसके, कॉलम के ऊपर कॉलम कैपिटल है, स्लैब के नीचे एक थोड़ा सा पोर्शन आपको ड्रॉप पैनल्स नजर आ रही है, इंक्रीज स्लैब थिकनेस हुई है. आगे जाके हम देखेंगे इसका पर्पज क्या है और नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर जब आपके पास फ्लैट स्लैब, फ्लैट प्लेट स्लैब का डिजाइन आएगा उसके अंदर भी इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी. कॉलम कैपिटल्स दिए हैं, टॉप पोर्शन के ऊपर आपको एक फ्लैट प्लेट सिस्टम नजर आ रहा है. ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर सिस्टम है. ऊपर जो आप देख रहे हैं वो फ्लैट प्लेट है, नीचे जो है फ्लैट स्लैब है, दोनों में डिफरेंस है. आपको ऊपर ड्रॉप पैनल्स नजर नहीं आ रहे होंगे, प्लेन है ये पूरी की पूरी कंप्लीट. ये देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम है और कॉलम के ऊपर स्लैब है, मगर नीचे क्या है, कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम्स के ऊपर कॉलम एक्सपेंड हुए हैं थोड़े से, विच इज अ कॉलम कैपिटल, और कॉलम कैपिटल के बाद स्लैब की थिकनेस इंक्रीज की है. ठीक है, ये एक अलग स्ट्रक्चरल सिस्टम है. आगे चलते हैं आपके पास, बाकी ये सारे पुराने ही हैं. अपस्टैंड बीम्स, बीम्स कुछ ऐसे हैं जो जिनको डाउन स्टैंड होते हैं, कुछ होते हैं अपस्टैंड बीम. अगर आपकी बिल्डिंग के ऊपर एक वॉल मूव कर रही है और उसमें कोई दरवाजा नहीं है तो आप बीम को, उसकी जो लटक है जिसको हम कहते हैं, जो उसके नीचे आ रही है, उसको आप ऊपर भी दे सकते हैं. ये दिखाया हुआ है इसके अंदर. डिजाइन प्रोसेस बेसिकली क्या है? जो आपके राइट साइड पर है ये बेसिक स्टेप्स हैं, कंसेप्शन, एनालिसिस, डिजाइन, डिटेलिंग एंड कॉस्टिंग. बहुत ब्रॉडली क्लासिफाई किया है. कंसेप्शन से मुराद ये है कि जब आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स मिले तो आप उनको सही, यानी उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग करें कि आर्किटेक्ट बनवाना क्या चाह रहा है आपसे, यानी वो अपनी स्पेस किस तरह यूटिलाइज कर रहा है. तो कंसेप्शन से मुराद ये है कि आप डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स की पॉसिबिलिटीज को इवेल्युएट करेंगे कि मैंने इस प्लान को लेकर कंस्ट्रक्ट करना है, यानी इसकी स्ट्रक्चरल वो करनी है, यानी इसके ऊपर स्ट्रक्चरल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है कोई, तो आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखेंगे. दिस इज कॉल्ड कंसेप्शन. कंसेप्शन यानी इंग्लिश वर्ड में अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जहन लड़ाना है या दिमाग, हाँ कुछ जहन लड़ा रहे हैं उसके अंदर. तो आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि अगर मुझे कोई फैसिलिटी डिजाइन करनी है, लेट्स से आपके पास एक आर्किटेक्ट की तरफ से प्रोजेक्ट आया दैट यू नीड टू डिजाइन अ मॉस्क एंड द मॉस्क साइज आर दिस वन, यानी उसकी बाउंड्री वॉल्स आपके पास दे देंगे आर्किटेक्ट ने कहा मुझे ये साइजेस चाहिए, यानी ये स्पैन्स चाहिए ओपन, मुझे हॉल चाहिए कंप्लीट. तो आप देखेंगे कि एक हॉल अचीव करने के लिए मैं कौन सा स्ट्रक्चरल सिस्टम दे सकता हूँ. अगर 40 फिट का स्पैन आ गया, 50 फिट का स्पैन आ गया तो मैं वहां बीम नहीं दे सकता, या बीम्स देने हैं तो मुझे उनको कनेक्ट करना है आपस में. तो कॉन्सेप्शन के अंदर आप आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग्स की डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है जी. और उसके बाद एक स्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो प्रपोज करते हैं वहां से. इसके अलावा कंसेप्शन के अंदर ये भी है कि आप स्टार्टिंग के अंदर जब आप स्पैन्स देख लेते हैं, सारा कुछ देखते हैं, तो आप ट्रायल सेक्शन ज्यूम करते हैं अपने लिए, यानी थंब रूल्स यूज करते हुए देखते हैं कि अगर मुझे 30 फिट का स्पैन यूज करना है तो अप्रोक्सीमेटली मेरी स्लैब की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली मेरे बीम की जो डेप्थ है वो इतनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली मेरे कॉलम्स के साइज इतने होने चाहिए. ये भी कॉन्सेप्शन के अंदर ही इंक्लूड होता है सारा का सारा, ठीक हो गया. अब जब आपने ट्रायल सेक्शंस ले लिए, सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं एनालिसिस.
आप एनालिसिस करते हैं मैनुअल भी कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी करते हैं, यानी आप उन ट्रायल सेक्शन को लेते हुए बिल्डिंग मॉडल करेंगे अपनी, ठीक है जी। ट्रायल सेक्शन को लेते हैं, एनालिसिस के बाद उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसमें बीएमडीज एसएफडीज प्रोड्यूस होंगी सारी की सारी, शियर फोर्स डायग्राम्स और बिल्डिंग मोमेंट डायग्राम। अगर आप देख रहे हैं कि सेक्शन एनालिसिस करने के बाद डिजाइनिंग में फेल हो रहे, तो आप अपने ट्रायल सेक्शंस को रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। अगर कॉलम्स एनालिसिस और डिजाइन करने के बाद पता चल रहा है कॉलम्स के अंदर स्टील 7% स्टील आ रहा है, 8% स्टील आ रहा है, कोड आपको अलाउड नहीं कर रहा कि आप 8% से ऊपर स्टील डालें, ठीक है, तो आप उन कोड्स की लिमिटेशन को देखते हुए अपने ट्रायल सेक्शंस को रिवाइज करेंगे। आइदर केस में वो फेल भी कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आपका बीम सेक्शन है वो शेयर में फेल कर रहा है, तो अब आप उसके लिए उसकी डेप्थ इंक्रीज करेंगे, आपकी स्लैब के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप ट्रायल सेक्शंस को रिवाइज करेंगे डिजाइन करते हुए। जब आपका डिजाइन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी आपके सब स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जो है वो सब कंप्लीट सॉल्व हो गए, तब आप उसकी डिटेलिंग की तरफ आएंगे। डिटेलिंग से मुराद ये है कि जब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स प्रोड्यूस की जाती हैं उनके अंदर रीइन्फोर्समेंट प्लेस की जाती है, इसको डिटेलिंग कहते हैं, ठीक है जी। लास्ट स्टेप आपके पास आएगा विच विल इंक्लूड कॉस्टिंग, ठीक है जी। जब डिजाइन सारा फाइनल हो गया, डिटेलिंग होगी, तब आप इसकी कॉस्टिंग करेंगे प्रोजेक्ट की। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। यहां पर आके आप देखेंगे ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ट्रायल सेक्शन और कॉस्टिंग। समटाइम्स कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ऐसे होते हैं कि उनको बजट में रहते हुए कोई और स्ट्रक्चरल सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है, लेट से वो फ्लैट स्लैब्स लेते हैं, मगर एट द एंड जब आप देखते हैं तो वो आपकी कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर दी होती है, तो वो फ्लैट स्लैब की तरफ से फ्लैट प्लेट की तरफ मूव करते हैं, फिर कॉस्टिंग करते हैं थोड़ी सी। अगर वो फिर मोड़ रही है, यानी उसके पास वो ऑप्शन नहीं है, यानी बजट के अंदर नहीं आ, तो वो फिर स्लैब विद बीम ऑप्शन के अंदर जाना चाहते हैं। तो समटाइम जो आपकी एनालिसिस और ट्रायल सेक्शन वाला ये है और कॉस्टिंग, ये दोनों साइमल्टेनियस भी चल रहे होते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक हो गया। डिटेलिंग के अंदर आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की रीइन्फोर्समेंट प्लेस करना और उनके लैप्स देना, यानी रीइन्फोर्समेंट को एग्जैक्टली प्लेस करना। जब हम स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे यहाँ पर, तो एक तो आपके पास जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जीए ड्राइंग्स, ठीक है, उनके अंदर आपके पास कहीं रीइन्फोर्समेंट नहीं होती, डिजाइन ड्राइंग्स होती हैं। इन दोनों को यूज करते हुए स्ट्रक्चर जो होती हैं डिटेल ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है जी। उसके अंदर बेसिकली बार्स एक्चुअली प्लेस करके देखी जाती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती हैं, कि इनका लैप कहाँ पर होगा, कितनी डेवलपमेंट लेंथ है, वो सब उसके अंदर इंक्लूड होती है, माइनर डिटेल्स भी इसके अंदर आ जाती है सारी की सारी डिटेलिंग, ठीक है जी। डिफरेंट ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर कर रहा होता है उसकी प्रिंसिपल इंजीनियर के साथ और कनेक्शन दिखाए हुए हैं कि क्लाइंट के साथ डीलिंग्स हैं, कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, ऑफिस मैनेजमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, डिजाइन मैनेजमेंट भी कर रहा होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर के साथ। ये डिजाइन प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्शन, मॉडलिंग यानी ट्रायल सेक्शन को यूज करते हुए अपनी ई टाइप या सैप या किसी और फाइनाइट एलिमेंट मॉडल के अंदर आप उसको बनाएंगे बिल्डिंग को, फिर उन लोड्स लगाएंगे, लोड्स लगाने के बाद उनका एनालिसिस होगा, एनालिसिस लगाने के बाद उनका डिजाइन किया जाएगा, अगर डिजाइन सेटिस्फाई है देन यू गो फॉर डिटेलिंग एंड ड्राफ्टिंग, ड्राइंग्स बनाएंगे वहां पर, आखिर में इसकी कॉस्टिंग होगी। ये एक ओवरऑल प्रोसेस है डिजाइन का किसी भी स्ट्रक्चर की, ठीक हो गया जी। मजीद इसको एक्सप्लेनेशन किया कि आपके पास कंसेप्शन बेसिकली क्या है, मॉडलिंग एनालिसिस के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और डिजाइन एंड डिटेलिंग के अंदर क्या है। कॉन्सेप्शन के अंदर बेसिकली आपके पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग सिर्फ मिलेंगी आपके पास, यानी जिसमें ओवरऑल बिल्डिंग का लेआउट आपको नजर आएगा, उसमें किसी किस्म का कॉलम साइज, किसी किस्म का बीम साइज, किसी किस्म की स्लैब थिकनेस इंक्लूड नहीं होती। सिर्फ आर्किटेक्चर आपको बताएगा मेरे पास 30x60 का प्लॉट है या 100x100 का एक एरिया है जिसके अंदर मुझे एक शादी हॉल बनाना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट्स वो अपनी आपको लिमिट करेगा कुछ चीज़ों के ऊपर, आपको बताएगा कि मैं इन इन जगहों पे कॉलम्स नहीं दे सकता, आप कहीं और कॉलम डालें मगर मैं इन जगहों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, तो वो आपको बता देगा कि यहाँ यहाँ कॉलम डाल सकते हैं, यहाँ नहीं डाल सकते। तो कुछ आर्किटेक्ट्स जो अच्छे जो सीनियर आर्किटेक्ट्स होते हैं वो समटाइम्स आपको जब आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स देंगे तो वो उसमें कॉलम्स खाली लोकेशन मार्क करके दे देते हैं, कॉलम के साइजेस नहीं, लोकेशन मार्क करते हैं कि अप्रोक्सीमेट इन इन जगहों पर कॉलम दे सकते हैं और कहीं कॉलम नहीं दे सकते। ये आपका काम है कि उन कॉलम्स की लोकेशन को देखते हुए एक स्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो उसको प्रपोज करें और फिर उसको कन्विंस करें कि आप उन स्पैन्स को अगर अचीव नहीं करें तो थोड़ी सी उनके दरमियान डिबेट होती है आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर के दरमियान, स्ट्रक्चर इंजीनियर के दरमियान, कि भाई ये स्पैन्स इस तरह अचीव नहीं हो रहे, अगर ये अचीव करें तो मेरी फाउंडेशन बहुत डीप बन रही है। यानी अगर आपको 40-40 फुट के स्पैन लेने हैं, हॉल के अंदर कहीं कॉलम नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, नीचे फुटिंग्स जो है बहुत थिक बनेंगी, नीचे कॉस्ट बहुत आएगी। इसमें क्लाइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि क्लाइंट का मेजर पर्पस क्या है, पैसे कम लगे।
आर्किटेक्ट का मकसद क्या है, पैसों की उसको गर्ज नहीं, उसका मकसद है कि मुझे क्लियर स्पैन्स मिलने चाहिए, खूबसूरती अच्छी होनी चाहिए। और स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम यह है कि कॉस्टिंग भी रखे, खूबसूरती भी आए और फिजिबल भी हो, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेबल हो, ठीक है, वो तीनों चीजें देख रहा है। तो वो अपनी तरफ से एक स्ट्रक्चर सिस्टम इसमें प्रपोज करेगा। उस स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर अब आप मॉडलिंग और एनालिसिस में आएंगे तो ट्रायल सेक्शंस लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्किटेक्ट आपको कॉलम की लोकेशन देगा, बट इट विल नॉट गिव यू कि इसका साइज क्या है, बीम का साइज क्या है, उसको कोई गर्ज नहीं है। आप वहां पर ट्रायल सेक्शंस लगाएंगे, ट्रायल सेक्शन लगाने के बाद कोई फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उसमें उसकी मॉडलिंग करेंगे। फिर उसके बाद मॉडलिंग के अंदर बेसिकली क्या है कि ट्रायल सेक्शंस मॉडल हुए, साथ लोड लगाएंगे। आगे जाके हम देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर उनकी सर्विस लाइफ के अंदर किस किस्म के लोड्स लगते हैं, वो सब के सब आप उस फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर पे लगेंगे, जिसमें लाइन लोड्स हैं, एरिया लोड्स हैं, पॉइंट लोड्स हैं, प्रेशर लोड्स हैं, वो सब के सब इंप्लीमेंट होंगे। सब जब सारी लोडिंग लग गई, मॉडल हो गया, देन यू विल गो फॉर एनालिसिस। मेंबर डिजाइन करेंगे, अगर मेंबर डिजाइन होते हैं, दे आर नॉट फेलिंग इन शियर, दे आर नॉट फेलिंग इन फ्लेक्जर, दोनों दोनों उसके क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी फ्लेक्जर में भी फेल नहीं कर रहा, बेंडिंग मोमेंट में भी फेल नहीं हो रहा और शेयर में भी फेल नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपका जो ट्रायल सेक्शन है इट इज एक्सेप्टेबल। अगर नहीं हो रहा देन रिवाइज द सेक्शन। इसमें एक और चीज भी है, कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो होते हैं जब वो अपनी स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस को, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को, तो वो ट्रायल सेक्शन बहुत बड़े बड़े ले लेते हैं, ठीक है जी। यानी लेट से कि 10 फुट का उन्होंने वो लेना था, स्पैन अचीव करना था, तो वो बीम की डेप्थ दे देंगे जी 10 इंच लेट से रिक्वायर्ड थी, यानी 10 इंच पे सेटिस्फाई हो जाती है। मगर वो कहेगा यार मैं क्या इसकी रिवाइज करूंगा कैलकुलेशन, क्योंकि उसको डर है कि बाद में ट्रायल सेक्शन फेल ना हो जाए। वो कहेगा यार ऐसा करो 16 इंच डाल दो, 16 इंच फेल नहीं करेगा उधर, ठीक है। उसकी डेप्थ हमें 12 इंच चाहिए थी, मगर उसने उसको 16 इंच दे दी। सेक्शन सारा कुछ एक्सेप्टेबल हो जाएगा, हर क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, मगर कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपका क्लाइंट जो है इसके ऊपर आपसे लड़ना शुरू कर जाए, यार आर्किटेक्ट जो है उस वो एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है, डिजाइन जो है, वो नॉन एक्सेप्टेबल भी हो सकता है। ट्रायल सेक्शन जो है सपोजिशन होती है कहीं से, मतलब कि नहीं, गाइड गाइडलाइंस गाइडलाइन है, उसके एसीआई कोड से कोड्स भी हैं और गाइडलाइंस कुछ और भी, यानी थंब रूल जिसको हम कहते हैं थंब लोड रूल। पता होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, यानी जिस तरह के कॉलम्स के ऊपर जब हम लोड्स देखते हैं, कॉलम्स का साइज देखते हैं, तो एक्चुअली एक मेथड दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूटरी एरिया मेथड। यानी आप देखते हैं कि उस कॉलम के ऊपर से कितना एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। जिस तरह आपने हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि डिस्चार्ज एरिया के लिए कंट्रीब्यूटरी एरिया होता है, इसी तरह एक कॉलम के ऊपर भी जो लोड्स आ रहे होते हैं वो एक कंट्रीब्यूटरी एरिया होता है, यानी वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है हर कॉलम। आप उसके जरिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं कि इस कॉलम पे इतना लोड आ रहा है, वो भी जाके हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ थंब रूल्स भी हैं कि लेट से बीम स्पैन मुझे इतना अचीव करना है तो अप्रोक्सीमेटली इतनी डेप्थ होनी चाहिए। तो ट्रायल सेक्शंस जो हैं वो हम गाइडलाइंस को यूज करते हैं और कोड्स की कुछ वैल्यूज भी देखते हैं, जिस तरह के स्लैब्स, जब आप स्लैब का डिजाइन देखेंगे, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब का डिजाइन, तो वहाँ एसीआई कोड के अंदर मिनिमम थिकनेस के कुछ क्राइटेरियाज दे दिए गए, ठीक है जी। तो वो डिफ्लेक्शन क्राइटेरियाज हैं, आप उनको सेटिस्फाई करके भी डाल सकते हैं, अपना ट्रायल सेक्शन निकाल सकते हैं। वंस दिस ट्रायल सेक्शन इट क्लियर्स ऑल दिस फ्लेक्चर एंड शेयर डिजाइन क्राइटेरियाज, तो आपका ये कंप्लीट हुआ। आप फिर कनेक्शन डिजाइन की तरफ जाएंगे। कनेक्शन डिजाइन जो है ज्यादा जो है ये नॉर्मली स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर इतनी ज्यादा इसकी वो नहीं है, यानी इस टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर के अंदर मेजर पोर्शन कनेक्शन डिजाइन का होता है, ठीक है जी। कनेक्शन डिजाइन के बाद डिटेलिंग है, आपने ड्रॉइंग्स प्रोड्यूस करनी है और आपका फाइनल डिजाइन। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्पेक्ट्रम क्या बेसिकली है, एक्टिविटीज पहले हमने देखनी, स्ट्रक्चर किस किस्म के हैं, बिल्डिंग ब्रिजेस हो सकती हैं, ट्रसेस डिजाइन करने के लिए आ सकती हैं, शेल स्ट्रक्चर टावर आपको डिजाइन करने के लिए आ सकते हैं। कोड्स नॉर्मली आपके पास अमेरिकन कोड, ब्रिटिश कोड, यूरोपियन कोड, जापानीज कोड्स हैं, डिफरेंट किस्म के जो यूज़ होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। आप यहाँ पाकिस्तान में डिज़ाइन कर रहे हैं, आप यूबीसी यूज़ करेंगे, एसीआई यूज़ करेंगे, पाकिस्तान बिल्डिंग कोड बीपीसी, ये भी एक बना हुआ है जो कि एसीआई और यूबीसी के अंदर से काफ़ी काफ़ी कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, उसके अंदर से उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उनको देखते हुए। मटेरियल्स हैं कॉन्क्रीट, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट यूज होती है समटाइम्स, आपके पास पोस्ट टेंशन गर्डेड आपको डिजाइन करने, पोस्ट टेंशन स्लैब्स डिजाइन करनी पड़ जाती हैं, ठीक है जी। मॉडल्स आपके पास 2D फ्रेम्स हो सकते हैं, ट्रसेस हो सकती हैं, 3D फ्रेम। एनालिसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, लीनियर स्टैटिक, नॉन लीनियर स्टैटिक, लीनियर डायनामिक, लार्ज डिस्प्लेसमेंट, ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का स्ट्रक्चर किस सिज्मिक जोन के अंदर डिजाइन करें, किस हाइट के ऊपर है और इस पर किस किस्म की फोर्सेज लग रही हैं। अगर आप कोई बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हैं और वो बहुत हाई सिज्मिक जोन में है, 3 और 4 जोन के अंदर आ गया है जहाँ हाई सिज्मिसिटी बहुत ज्यादा है,
और आपकी बिल्डिंग की हाइट क्रॉस कर रही है 50-60 स्टोरीज, तो आप वहां पर आके लीनियर स्टैटिक एनालिसिस नहीं करेंगे, यू विल गो फॉर नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम टाइम हिस्ट्री एनालिसिस की तरफ जाएंगे। अभी जो आप इस कोर्स के अंदर सारी चीज़ें सीख रहे हैं, दीज आर ऑल स्टैटिक एनालिसिस, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस होंगे उसके अंदर, ठीक है, जो कि 10 स्टोरी 15 स्टोरी इन तक यूज हो रहे हैं। मगर अगर आपके पास बिल्डिंग्स आ जाती हैं बहुत हाई राइज, तो उनके अंदर आप इन मेथड्स के ऊपर भी जाएंगे, एनालिसिस के डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस टाइप्स हैं। सोल्यूशंस, सोल्यूशंस क्या हैं जी, इक्वेशंस यूज की जाती हैं, फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग नॉर्मली ऑप्टिमाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट बीच में रह गया था, मैं आपको बताने लगा था कि कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपनी इनिशियल प्रैक्टिस के अंदर वो क्या करेंगे कि ट्रायल सेक्शन बहुत बड़े ले लेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे स्ट्रक्चर को। ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है कि आप देखेंगे कि गिवन लोड्स और गिवन कंडीशन के अगेंस्ट सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या है, यानी मुझे कॉस्ट बचानी है अपने उसकी क्लाइंट की कॉस्ट बचाने के लिए एफिशिएंट साइजेस लेने, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, अपने स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करें। एक दफ़ा डिज़ाइन हो गया, हैवी डिज़ाइन हो गया, इसको थोड़ा नीचे लेकर आए हैं, स्लैब की थिकनेस कम करके देखें, कोई स्ट्रक्चर सिस्टम नया इंट्रोड्यूस करके देखें, क्या पता आपका ग्रेविटी लोड सिस्टम जो है वो इस किस्म के स्पैन्स या इस किस्म के फैसिलिटी के लिए सुटेबल नहीं है, कोई और ग्रेविटी लोड सिस्टम लगा के देखें उसके अंदर। आगे जाके हम डिफरेंट ग्रेविटी लोड सिस्टम और डिफरेंट लेटरल लोड सिस्टम, लेटरल लोड से मुराद ये कि लेटरल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो लोड्स आ रहे हैं उनको रिजिस्ट करने के लिए भी बिल्डिंग के अंदर एक सिस्टम लगाया जाता है, और ग्रेविटी लोड जो कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में लोड्स होते हैं इनको रिजिस्ट करने के लिए एक अलहदा सिस्टम होता है बिल्डिंग के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर। इम्पॉर्टेंस एक पाई चार्ट के अंदर दिखाई है कि जी कॉन्सेप्शन कितना पार्ट आपका प्ले कर रही होती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, कैड प्रोसेस के अंदर एनालिसिस कितना पार्ट प्ले कर रही है, डिज़ाइन का पार्ट कितना है और अदर्स पार्ट क्या, ये खाली एक्सप्लेन कर रही है उसकी इम्पोर्टेंस इन इन प्रोसेस की जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी कि कॉन्सेप्शन कितनी होगी, एनालिसिस कितनी है, डिज़ाइन कितनी है। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, शेल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं आपके पास, ट्रसेस हो सकती हैं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ब्रिजेस डिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, ट्रांसमिशन टावर्स हैं, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को डिजाइन करने पड़ते हैं। बिल्डिंग्स होगी जो कि इस कोर्स में हम मेजोरिटी कवर करेंगे। आपके पास गर्डर्स हो सकते हैं, जनरल उनकी सेक्शंस होते हैं, कोई भी वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, वन वे फोर स्लैब विद मोनोलिथिक सपोर्टिंग बीम्स, वन वे जॉइस्ट फ्लोर सिस्टम विद क्लोजली स्पेस रिब सपोर्टेड बाय मोनोलिथिक कॉन्क्रीट बीम, ट्रांसवर्स रिब प्रोवाइडेड फॉर लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकलाइज लोड्स। ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं जो कि आपको नजर आएंगी। स्लैब विद बीम सिस्टम, फ्लैट प्लेट स्लैब सिस्टम, यानी कॉलम आ रहा है, कॉलम के ऊपर डायरेक्टली स्लैब रेस्ट कर रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्लैट प्लेट स्लैब सिस्टम। इन स्लैब की थिकनेस अगर आप कभी किसी प्लाजा जो कंस्ट्रक्ट हो रहा हो जिसके अंदर ये फ्लैट प्लेट सिस्टम यूज हो रहा हो वहां जाके देखें तो ये नॉर्मल स्लैब से बहुत ज्यादा है। घरों की स्लैब कितनी होती है, 5 इंच 6 इंच, बस बहुत मिनिमम होगा आपको कहीं 8 इंच स्लैब नजर आ जाए। 8 इंच भी लोग डाल देते हैं मगर वो फिर बहुत मशहूर हो जाते हैं वहां पर कि वो 8 इंच डाल दी घर की स्लैब, तो मगर इनकी स्लैब की थिकनेस देखेंगे, इनकी स्लैब की थिकनेस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। फ्लैट प्लेट्स की, फ्लैट स्लैब्स की, फ्लैट स्लैब्स एक डिफरेंट है, इसके अंदर आपके पास ड्रॉप पैनल्स निकल रहे हैं, स्लैब के बाद एक खास पोर्शन है जहाँ इंक्रीज स्लैब थिकनेस हुई है और नीचे कॉलम कैपिटल्स भी हैं, कॉलम एक्सट्रूड किया है। कुछ आइडिया है कि ये सिर्फ इसी पोर्शन में क्यों इंक्रीज किए हैं सारे के सारे? सर कंसंट्रेशन इस एरिया में ज्यादा पड़ रही है। चलिए जी एक और इसको बहुत सिंपल करते हैं, इसको उस पर रहने दे। मैंने स्टार्टिंग के अंदर एक चीज बताई थी कि हम लोड्स को ट्रांसमिट करेंगे सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर की तरफ। अगर ये स्लैब है, ये पूरी स्लैब है, इसके ऊपर सारे ग्रेविटी लोड्स लगेंगे, लोग इस पर आके खड़े होंगे, डेड लोड्स, कुर्सियां पड़ी होंगी। अब लोड ने जब स्लैब से मूव करना है टुवर्ड्स कॉलम, तो वो उन्हीं जगह से मूव करेगी, ट्रांसमिट करेगी जहां उसके कनेक्शन पॉइंट होंगे, ऐसा ही। क्या इस स्लैब का इस नीचे आने तक इसको लोड ट्रांसमिट करने के लिए यहां पर कोई ट्रांसमिटिंग एलिमेंट खड़ा है? नहीं, तो ट्रांसमिटिंग एलिमेंट तो ये है, इसका मतलब है लोड जहां एक्यूमुलेट होकर ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो जहां ट्रांसमिशन पार्ट होता है वहां पर फोर्सेस की कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये बेसिकली वो पार्ट है जहां से इन फोर्सेस ने ट्रांसमिट करना है सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर की और तरफ। दूसरा ये, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फ्लैट प्लेट स्लैब आपको नजर आ रही है इसमें आपको क्या फायदा नजर आ रहा है? मतलब ये घर में क्यों नहीं करते, मतलब बिल्डिंग्स में इस पोजीशन में क्यों जाते हैं, किस कुछ लोग जाते हैं कुछ नहीं जाते?
सर लॉन्ग स्पैन सवाल होते हैं ना सर, वो तो फिर बड़ी बिल्डिंग नहीं, लॉन्ग स्पैन तो बीम में भी हो जाता है ना, मतलब इसमें तो लॉन्ग स्पैन आपका 25 फुट 30 फुट से ज्यादा नहीं आप दे सकते, क्योंकि स्लैब की थिकनेस बहुत बढ़ जाती है। 25 फुट से 25 फुट में भी आपकी स्लैब की थिकनेस जो है ना वो तकरीबन 9-10 इंच आती है, 9-10 इंच। फिर भी हम इस पे क्यों जाते हैं, क्या इसमें फायदा लग रहा है, देख के क्या फायदा लग रहा है, वैसे ही मतलब डेड लोड रिड्यूस करने के लिए। नहीं नहीं स्लैब तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है सर, एक जगह हाँ मतलब के जो आपका क्लियर हाइट है ना वो देखो ना, क्लियर हाइट बीम्स कहीं नहीं नजर आ रही, इसमें आपका जो आपका सीलिंग का खर्चा है वो बच रहा है। यस सर, वो इतनी आपको लटका के नहीं बीम के ऊपर नहीं चलानी पड़ेगी, इसमें बीम्स है ही नहीं कोई, तो आपको क्लियर हाइट इसमें मतलब आप 9 फुट का भी वो रखेंगे फ्लोर हाइट, यस सर, तो तब भी चलेगा। ठीक है, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि आप इस सिस्टम को यूज करते हुए एक हायर हाइट अचीव कर सकते हैं विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरीज। अगर आपको एक क्लाइंट कहता है कि जी मुझे 100 फिट तक हाइट अचीव करनी है, अब मैं इसमें कितनी स्टोरीज दूंगा, अगर मैं ये स्लैब विद बीम सिस्टम देता हूं तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें 60 स्टोरीज दे सकता हूं, 30 दे सकता हूं, मगर अगर आप ये सिस्टम यूज करते हैं जिसमें बीम्स नहीं है, आपके पास क्लियर हाइट्स बढ़ गई हैं फ्लोर हाइट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर उस 100 फीट के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ फ्लोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मगर डेफिनेटली कोर्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ये सिस्टम जो है फ्लैट स्लैब या फ्लैट प्लेट स्लैब दे आर नॉट एज गुड एफिशिएंट जितना स्लैब विद बीम सिस्टम है, जो आपके नॉर्मल है ना जिसमें स्लैब है, स्लैब रेस्ट करी बीम पे, बीम रेस्ट कर रहे हैं कॉलम्स के ऊपर, यहाँ पर फोर्स की ट्रांसमिशन ज्यादा एफिशिएंट है, इसके अंदर ट्रांसमिशन इतनी एफिशिएंट नहीं है, इस वजह से आपको ये ज्यादा नजर भी नहीं आते। सेकेंडली इनका फॉर्मवर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए उस फॉर्मवर्क को लगाने के लिए और उसकी डिटेलिंग करने के लिए, इसकी डिटेलिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक हो गया, फ्लैट स्लैब और फ्लैट प्लेट स्लैब सिस्टम। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स, सिलेंड्रिकल शेप्स, शेल स्ट्रक्चर्स, आगे चलते हैं मजीद, ब्रिजेस के अंदर आपके पास सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, उनको भी छोड़ें, ये भी काम के लिए, ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, सर्कुलर कंक्रीट टैंक्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस वर्सेस डिजाइन, डिफरेंस क्या है दोनों एनालिसिस और डिजाइन के अंदर। अच्छा जी, पीछे जो एक स्लाइड थी जिसमें कॉन्सेप्शन आइडियलाइजेशन वो सारा था, उसमें जो मॉडलिंग और एनालिसिस था वो बहुत पहले आ रही थी और डिजाइन बाद में था, ऐसा ही था, पहले डिजाइन करते हैं या एनालिसिस करते हैं ये बताएं, किस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं और डिजाइन बाद में करते हैं। अच्छा जी, अभी इसके अंदर देखते हैं क्या क्या बता रहा है, फेयरली जनरल और यूनिफाइड है स्ट्रक्चरल टेक्निक्स थ्रू आउट। अगर आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं तो एनालिसिस जो है उसके रिजल्ट सेम ही आ रहे होंगे, एक ही लोडिंग के बाद एक ही मोमेंट्स निकलेंगे, सब कुछ ठीक होगा, मगर जब आप उसको डिजाइन करने लगेंगे तब कोड्स के फॉर्मूले डिफरेंट हो जाते हैं, यानी किसी ने मोमेंट्स को देखते हुए अगर स्टील निकालना है तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू स्टील देंगे, डिजाइन वेरी कर सकता है किसी कोड के मुताबिक, मगर एनालिसिस टेक्निक्स एनालिसिस किसी भी स्ट्रक्चर का वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यूनिफाइड और जनरल अप्रोच होती है इसके अंदर। आउटपुट्स क्या है इसके अंदर, एलिमेंट्स, मेंबर एक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, एसएफटीज और बीएमडीज मिलेंगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रक्चर एलिमेंट फिक्स करने के बाद आप उसे लोड लगाएंगे और लोड लगाने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस की आउटपुट क्या है, एसएफडी एंड बीएमडी, आपके पास स्ट्रक्चर की पूरी शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी डायग्राम बन जाएगी।